तो दोस्तों आज आपको लेके चलते हैं आगरा की ऐसी गली में जहाँ मिलते हैं पूरी दुनिया के सबसे सस्ते गोलगप्पे। मैंने सुना है आप पूरी दुनिया के सबसे सस्ते गोलगप्पे खिला रहे हैं। जी बिल्कुल सही सुना, एक रुपए के पच्चीस। जी तो आपने ऐसे गोलगप्पे में क्या मिला है जिसे पूरा आगरा छोड़ो पूरी दुनिया आपके गोलगप्पे खाने के लिए आ रही है? स्वाद है साहब। अच्छा हाँ, बढ़िया स्वाद, अच्छे क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा तो क्वांटिटी है ही है फिर। अब ये देखिए यहाँ पे लगातार गोलगप्पे बनते जा रहे हैं। सूजी और हल्की मैदा मिक्स होते हैं सर। अच्छा हाँ, और ये आटे वाले होते हैं। अच्छा हाँ, ये दही सौंठ पापड़ी बनती है इधर। यहाँ दही सौंठ पापड़ी बनती जा रही है और यहाँ पे अंकल गोलगप्पे खिलाए जा रहे हैं। तो सारा काम खुद का है या बाहर से मंगवाते हैं? अपने ही अपने ही है सर। आंटी कितने टाइम से खा रहे हैं आप? 35 साल हो गए। अच्छा मतलब बचपन से ही आपने यहाँ खा रहे हैं। तो कैसे लगे आपको, ईमानदारी से बताना। कहीं के पसंद ही नहीं आते। ये देखिए भैया आपको कैसे लगे? बढ़िया लगे। बढ़िया, मजा आ गया, आनंद। कितने टाइम से खा रहे हैं? 8-9 साल से खा रहे हैं यहाँ। मतलब पूरा बचपन गोलगप्पे खाते हुए बीता है। तो अंकल मैंने सुना यार आपके गोलगप्पे के छोड़िए आपके पानी में ऐसा नशा है ना कि लोग दूर दूर से आपका पानी पीने आते हैं गोलगप्पे का। जरा बना के दिखाइए। बिल्कुल बना के दिखाते हैं सर, अभी बनवाते हैं। तो ये आगे कौन सा पानी है भैया? आरओ का जी। सादा समर। सादा मतलब कॉर्पोरेशन का पानी। हाँ हाँ हाँ। लाओ नमक डालना खा लेते ना। ये आ गया टाटा का नमक। ये आपका सादा नमक वाइट वाला। अच्छा ये काला नमक। अच्छा हाँ, मसाला डालिए ना, ऐसे खट्टा पानी दिए ना, वो डाले साथ में। ये इमली वाला पानी खटेगा। अच्छा ताकि खटास बराबर रहे। बिल्कुल बढ़िया खटेगा। ये खट्टा पानी, ये भी इमली वाला पानी के लिए। हाँ खट्टे के लिए होता है। अच्छा ये कौन सी चटनी आ गई भैया? ये इसके मसाला है, धनिया हरी मिर्च मसाले की चटनी है भैया। अच्छा मसाले की चटनी आ गई, हरी मिर्च वाली, हरी मिर्च पुदीना वाली। हाँ जी। अच्छा ये मसाले देखिए, इसमें सारे पूरे कटोरी भर के चटनी डाली गई है, चौथी कटोरी। ये इसमें सारे मसाले होते हैं पिसे हुए। अच्छा हाँ, हरी मिर्च धनिया पुदीना सब पिसे हुए होते हैं इस चटनी के अंदर। जो सारा राज है उसी चटनी में छुपा रहता है। ये जीरे से लेके धनिया वगैरह मसाले काफी होते हैं इसमें। अच्छा काली मिर्च से लेके लौंग वगैरह सब मिलता है इसमें। और जैसे ही थोड़ा पानी कम होता है आप मसाले का स्तर बढ़ा देते हैं चटनी मिला के। ये देखिए हर बार जब भी बनेगा यही पानी बनेगा। ये देखिए ये क्या आ गया? ये जीरा पाउडर। ये जीरा पाउडर से मैकिंग के लिए ऊपर मैकिंग। अच्छा ऊपर डेकोरेशन के लिए, अंदर तो होता ही है, ये ऊपर के लिए और करंट देने के लिए एक्स्ट्रा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए गर्मियों में आइस चलती है सर। अच्छा सर्दियों में तो मतलब ही नहीं है। ये देखिए ये आपकी आइस, ये आइस आ गई। और बताइए भैया पानी तैयार हो चुका है। अच्छा और इसके अलावा मसाले की बात की जाए, आलू के मसाले में तो सिंपल मैंने देखा है कि आप सिंपल आलू और जीरा डालते हैं। हाँ जीरा, कोई फालतू चोचरे नहीं करते। नहीं नहीं, फालतू कुछ नहीं। ठीक है जो मसाले हैं वो सारे पानी में। अच्छा एक बात बताइए, इतने सस्ते देने का राज क्या है? शुरू से ही सस्ते दिए हैं सर। तो महंगाई आप तक पहुंची नहीं या नहीं? आप दिखावा कर रहे हैं। हम पब्लिक के लिए ज्यादा महंगाई नहीं रखते, जो है हमारे ऊपर है। यानी एक तरह से कह लो सेवा कर रहे हो लोगों की। बस सेवा चल रही है सर। देखिए यहाँ पे लगातार दही पपड़ी लगी जा रही है, तो भैया जरा लगा के बताइए दही पपड़ी कैसे लगती है? बिल्कुल बनाता हूं। और आपकी दही पपड़ी मैंने सुना यार गोलगप्पे तो छोड़िए दही पपड़ी और सस्ती दे रहे हैं। बिल्कुल सर जी। अच्छा ये पत्ते का क्या राज है पहले ये बताइए? पत्ते में इसका टेस्ट आता है। अच्छा स्वाद ही पत्ते का है। जहाँ आज के टाइम पे लोग दोने की तरफ भाग रहे हैं वहाँ स्वाद ही नहीं आएगा दोने में। ये तो आजकल के वो छल्ले है, कल्चर है, वो उसी हिसाब से वेस्टर्न कल्चर है, चोचले हैं बस बस। अच्छा तो ये बेसिकली क्या है, पपड़ी आ गई आटे और मैदे की और ये सौंठ में डाल दिया, ये मीठी सौंठ में डूब रही है। अच्छा इमली और खटाई गुड़ की होती है। अच्छा दही गुड़ की सॉर्ट है। हाँ, ये खटाई और आलू भी देखिए आप यहाँ पे सिर्फ बॉइल्ड आलू काट के लगाया, किसी तरह के कोई मसाला उसके ऊपर नहीं डाला गया। अच्छा डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं। अच्छा और ये आगे वही जो तीखी वाली चटनी जो पानी में दिखाई थी आपको डालते हुए, 50 की सॉर्ट की। और ये आ गया दही, दही का मटेरियल। अच्छा इसी में सर ये जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर, ये नमक हल्का, ये नमक आ गया और ये वापस इसके ऊपर सौंठ आ गया, सौंठ डल गई। तो भैया तैयार हो गई? बिल्कुल। तो आपने इतना बना ही दिया तो जगह भी बता दीजिए अपनी। जिस शीतला गली, शीतला गली चित्रा डागिच के पास, शीतला गली सैंडन चौराहे से आप अंदर आइए। अच्छा चित्रा डागिच के पास शीतला गली है, हर एक किसी से पूछिए।